गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए से वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं सिर्फ बातें करूँगा, एक पूरी कहानी मुझ जवानी सुनाऊंगा, क्योंकि वीडियो तो मैं बना नहीं पाया। तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने एक मार्केट को शूट किया था, जनशेर भाई के साथ था। जनशेर भाई के साथ मिलने के बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, तो तभी पीछे से दो पुलिस वाले भाई साहब आए। बेसिकली पुलिस वाले थे या नहीं थे मुझे खुद नहीं पता, वो एक नॉर्मल वर्दी में थे और आके ही एक सवाल लपेटे हुए थे, और बेसिकली टाइपिकल अफगानी थे वो। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट पूछा। मैंने कहा पासपोर्ट, मैं किसी को अपना पासपोर्ट नहीं दे सकता, हालांकि मैं यहाँ पर अफगानिस्तान में अपना पासपोर्ट हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा पासपोर्ट कैसे दिखा दूँ, आप कौन हो नहीं हो। फिर मैं पीछे था तो मैंने जनशेर भाई को बोला भाई यहाँ पे आओ, क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं इनसे वगैरह। तो फिर वो यहाँ पर उनसे आया, उससे बातें की, फिर उन्होंने अपनी आईडी दिखाई। तो आईडी दिखाई तो उन्होंने कहा क्यों आए हो वगैरह, पासपोर्ट वगैरह चेक करने लगे, वीडियोज़ क्यों बना रहे हो, बला बला बला। चलो वहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा चलो आपको मैं लेके चलूँगा पुलिस स्टेशन, बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन लेके चलूँगा। पुलिस स्टेशन नहीं वाले मिलिट्री स्टेशन बोलो भाई, कि काफ़ी हैवी प्रोटेक्शन था, वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ पहले। तो फिर उन्होंने ऐसे गाड़ी को रोका, किसी भी गाड़ी को रोका, पहला गाड़ी को रोका ट्रैफिक में, बोला चलो यहाँ चलना है। मुझे डर लग रहा था, मेरा पासपोर्ट उन्होंने ले रखा था, मेरा कैमरा उन्होंने ले रखा था, जनशेर भाई को उन्होंने फ़ोन ले रखा था। उन्होंने वो सब करके पुलिस स्टेशन गया हम लोग। जब पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद, पुलिस स्टेशन नहीं था मिलिट्री स्टेशन था, जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पे एक कमांडर था, कमांडर चीफ था वो, तो उनसे बैकली बातें होने लगी। मुझे थोड़ी मोड़ी हिंदी आती है, मतलब थोड़ी मोड़ी मुझे हिंदी आती है, लेकिन अफगानी लोगों को थोड़ी मोड़ी हिंदी आती है। तो मैंने हिंदी में बात करने का प्रयास किया कि क्या बात हुआ, क्या क्या मसला है, क्यों हमें यहाँ इस तरह मतलब परेशान कर रहे हो आप लोग। मैंने ऐसे ऐसे कुछ बोला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला कोई परेशानी नहीं, आपके सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। उनको इतनी हिंदी अंग्रेजी तो आती नहीं, यही दो वर्ड बोला, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। वो मुझे अंदर लेके गए, मुझे और ब्रिटेन दोनों को अंदर लेके गए। और जाने से पहले मैंने वहाँ जाके देखा भाई, बड़े बड़े कमांडर पूरी खाकी वर्दी में, लग रहा है कि युद्ध करने के लिए तैयार हैं। 14-15 कमांडर मेरे पीछे पीछे जा रहे थे, मैं आगे जा रहा था, 4-5 पीछे थे, बीच में मैं था, कमांडर था जो कमांडर चीफ था, ब्रिटेन था और जनशेर भाई थे, और पीछे भी 4-5 कमांडर एकदम बंदूक ताने हुए, एकदम निशाना बनाए हुए लेकर चल रहे थे, एकदम ताने हुए। मुझे तो डर नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये पुलिस है और सब, मैं अपने जगह सही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर वहाँ मुझे अंदर लेके गए, तो प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग जिस एरिया में थे, मुझे खुद नहीं पता था कि वो रेड एरिया है, रेड एरिया है। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे लोकल के साथ देखा जो कि कोई टूर गाइड नहीं था, उनको काउसर्फिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जनशेर भाई से मैं काउसर्फिंग के जरिए मिला था, आपने अगर पिछली वीडियोज़ देखी हो तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग वहाँ गए, उसके बाद सवाल वगैरह पूछने लगे, काफ़ी सारे सवाल स्टार्ट हुआ, पता नहीं बात कहाँ कहाँ तक पहुँच गई। मुझे लगा छोटी सी बात है, मैं 2 मिनट में निकल जाऊँगा, लेकिन बात बढ़ती गई। तो हम लोग वहाँ अराउंड 2 बजे के आसपास पहुँचे, वो मिलिट्री चेक पॉइंट जो भी था बहुत बड़ा था, और जाने के लिए भाई 14-15 दरवाजे थे। उसके बाद प्रत्येक दरवाजे में जेल टाइप का बना हुआ था, मतलब आप इमेजिन करो, जेल बंद, एक बड़ा सा लॉकर बंद, बड़ा सा लॉकर बंद, बड़ा सा लॉकर, अलग अलग सिक्योरिटी पॉइंट से जाओगे आप, फिर एक बड़े से ऑफिस में जाते हो जहाँ पर पूरी तरह से 4-5 पीछे, मतलब 4-5 लोग गन ताने खड़े हैं, मतलब आपके गेट के पार, आपके ऑफिस के बाहर, और वहाँ पे बैठा हुआ। जब मैं बैठा तो उन्होंने अच्छी खासी खातिरदारी की। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप अफगानी लोग खातिरदारी में मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ते, मेहमाननवाजी अफगानी लोगों से सीखो भाई, अफगानी लोगों से सीखना चाहिए। मतलब मैं मिलिट्री ऑफिस गया, पूछ रहे चाय पियोगे, मैं यार बताओ मुझे जाना है, चाय वगैरह क्या, चाय पियो, चाय लेके आया। उसके बाद चाय के बाद उन्होंने खाना खाना है, पानी पीना है, एकदम आराम से, अजरबैजान वाला हाल नहीं था कि पेशाब करने तक नहीं जाने दे रहा था मुझे। उन्होंने चाय पानी सब कुछ के लिए पूछा, आराम से पूछा। उसके बाद स्टार्ट हुई बात कब करना, पूछना कि क्यों आए हो, टूरिस्ट, यहाँ घूमने के लिए कौन आता है भाई, अफगानिस्तान में घूमने के लिए कौन आता है, यहाँ टूरिज्म एग्जिस्ट करती ही नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा यार घूमने आया हूँ, देखो यार मेरी क्या गलती है, आपने टूरिस्ट वीज़ा दे रखा है तो मेरी क्या गलती है बताओ, आपने टूरिस्ट वीज़ा दिया है, अगर आप को इतनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, अगर कोई आए नहीं तो आप टूरिस्ट वीज़ा देना ही बंद कर दो, टूरिस्ट वीज़ा बंद कर दो लीबिया की तरह, जिस तरह लीबिया को लगता है कि वहाँ पे टूरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए लीबिया कभी अपना टूरिस्ट वीज़ा अलाउ करता ही नहीं, तो आप लीबिया में आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा ही नहीं सकते, तो क्यों दे रहे हो टूरिस्ट वीज़ा आप। लेकिन ठीक था, बात वगैरह मैं बात कर रहा था, लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, मैं सच कहूँगा 14-15 मिलिट्री थी मेरे पीछे पीछे, बंदूक ताने हुए, बड़ी बड़ी बंदूक, बड़ी बड़ी मशीनें वाली बंदूक, मशीन गन वगैरह, लेकिन
काफ़ी हॉस्पिटेबल थे, काफ़ी हॉस्पिटेबल थे। फिर बात का सिलसिला स्टार्ट हुआ, लोगों से पूछने लगा, हमारे मेरे प्रत्येक पासपोर्ट को देखने लगे, प्रत्येक पेजों पेजेस को देखने लगे कि क्या हाल है, नहीं हाल है। उसके बाद उन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल किए, उसके बाद बात आगे बढ़ी, वो कहीं कॉल कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो मिलिट्री हेड थे, जो कमांडर चीफ थे, उन्होंने इंडियन एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी दोनों को इन्फॉर्म किया। तो और CIA पता नहीं जितनी ऊपर तक की चीज, FBI जितनी भी ऊपर चीज़ें हो सकती थी वहाँ तक इन्फॉर्म चला गया, बात बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ऑफकोर्स अमेरिकन एम्बेसी ने अराउंड 15 मिनट्स में कांटेक्ट किया इनको और इनसे बातें वगैरह करने लगी, और इंडियन एम्बेसी ने वही मुझे अराउंड 3-4 घंटे के बाद कांटेक्ट किया। 3 घंटे लगा दिए मुझे कांटेक्ट करने में इंडियन एम्बेसी के, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी ने इसको कॉल किया, कहां से इनको कॉल आया। इसने भी एक वीडियो बनाया, जाके इसकी वीडियोज़ देख लेना कि इसके बारे में, इसके साथ कैसा हुआ अमेरिकन एम्बेसी। मैं इंडियन एम्बेसी की बात करूँगी कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, तो मैं इंडियन एम्बेसी की बात करूँगा। तो बेसिकली 4 घंटे के बाद इंडियन एम्बेसी से फ़ोन आया, आई थिंक 3-3.5 घंटे के बाद वहाँ पे बैठा रहा, 6 बजे के आसपास मुझे इंडियन एम्बेसी से कॉल आया। पहला सवाल, क्या नाम है? मैंने कहा शिवम कुमार, मैं घूमता हूँ वगैरह, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए? मैंने कहा टूरिज्म के। यहाँ पे कौन आता है भाई, ये वॉर कंट्री है, यहाँ पे टूरिज्म, ये वॉर कंट्री है, कहीं और जाओ, स्विट्ज़रलैंड जाओ, पेरिस जाओ। मैंने कहा यार मुझे पता है, मुझे पता है कि क्या सिक्योरिटी कंडीशन है, मैं घूमने आया हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ जहाँ पर मीडिया नहीं शो करती, जहाँ पर लोकल लोगों को देखना था। मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी थी अफगानिस्तान कैसा है, इसलिए मैं अफगानिस्तान आया हूँ। उसके बाद वो लंबी चौड़ी बहस, मतलब बोलने लगे ये वर्क प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है, जो हुआ हुआ, हटाओ, मैं आ गया, अब आप उसे बदल नहीं सकते, अब मुझे क्या करना है ये बताओ। उन्होंने कहा चलो वो तो बाद में बताता हूँ, पहले ही बताओ और क्या क्या उन्होंने कहा, थोड़ी और उनकी डिटेल। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे आ गए हो, काबुल में कोई भी इन्फॉर्मर बन सकता है, ये ट्रू है भाई, ये ट्रू है, काबुल में कोई भी इन्फॉर्मर बन सकता है। जैसे कि आज की डेट में मेरा जो प्राइस पॉइंट है वो अराउंड $2 million है, और इस भाई साहब का $2.2 million है, $2.7 million combined net worth of $5 million। तो मुझे लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम दोनों की वैल्यू अराउंड 5 million के आसपास है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर पकड़ लेगा तो दो तीन मिलियन लेंगे। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने इसको कहा कि दो अमेरिकन को उन्होंने पकड़ के रखा है, एक तो खलास है, दूसरा जो बंदा है वो पता नहीं, एक साल से कोई ठोस ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर किडनैपिंग वगैरह काफ़ी नॉर्मल है, जब आप आओ तो थोड़ा इसका ध्यान रखो, किस एरिया में ट्रैवल कर रहे हो। सबसे पहली बात कहूँगा कि अफगानिस्तान इज नॉट अ टूरिस्टिक कंट्री, यहाँ पे आप नहीं आओ यार, प्लीज़ नहीं आओ। मुझे अगर आने का पूरा मन बना ही रखा है कि नहीं आना है, तो टूर गाइड के साथ आओ, अकेले मतलब खुद से ट्रैवल मत करो अफगानिस्तान में। यार मुझे लगा था कि उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद चला चला कि नहीं, सच में दिक्कत है, सच में प्रॉब्लम्स चल रही है अफगानिस्तान में। वो जो मीडिया दिखाती है वो सच है, मतलब वो नहीं कहूँगा पूरा झूठ है, सच है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी आपका इन्फॉर्मर वगैरह बन सकता है, पकड़ लेगा, आप किसी भी हो जगह पर रेडी हो, क्या पता वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, आके रात को किडनैप करके लेके चले जाए, फिर आप क्या करोगे। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे पेरेंट्स का नंबर लिया, उन्होंने कहा कि आपके पेरेंट्स वगैरह से बात करेंगे, पता नहीं उन्होंने कॉल किया कि कॉल किया नहीं किया, शायद मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था, शायद मेरे घर से अभी तक बात नहीं हुई है, तो शायद उनसे कॉन्टैक्ट किया गया हो, मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन लिया गया वगैरह कि आपके घर वाले को इन्फॉर्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जो होगा होगा, देखा जाएगा। ये तो हो गया। अब उसके बाद बात बड़ी CIA वाली, जो सीक्रेट एजेंट है अफगानिस्तान की, उसने कांटेक्ट किया, उससे मेरी बात हो रही थी, और उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा यार घूमने आया हूँ, देख लो टूरिस्ट भेजा दे रखा है आपने, तो घूमने ही आऊँगा ना मैं यहाँ, मतलब क्या शादी करने थोड़ी आऊँगा, शादी वाला भेजा थोड़ी दे रखा है, या तो बिजनेस करने थोड़ी आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे सूडान वीज़ा को देखा, मेरे इराक स्टाम्प पे। उसके बाद 50 सवाल, सूडान क्यों गए थे, इराक क्यों गए थे। इन सब चीज़ों के बीच में बोलना चाहूँगा एक बात, सारे जो इंटरव्यू चल रहा था, सारे जो इंट्रोगेशन चल रहा था, इसके बीचों बीच खातिरदारी हो रही थी। मैं इसे पॉइंट बोल रहा हूँ क्योंकि सच में खातिरदारी हो रही थी। चाय खाना जो भी हो, आराम से बैठो, बैठने की एकदम कंफर्टेबल जगह दे रखी थी, आगे पुलिस वाले थे, पीछे पुलिस वाले थे, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब अंदर तो मैं बैठा हुआ था लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल, घर जैसा मैं फील कर रहा था, काफ़ी सेफ फील कर रहा था अगर सच कहूँ तो। सब कुछ ठीक रहा, मैंने CIA को बता दिया कि जो यहाँ की सीक्रेट सर्विस थी, मैंने कह दिया ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी मान गया ठीक है। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने मुझे सख्त वार्निंग दी, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ 2 होटल का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, एक था ये और एक था
सिरेना, काबुल सिरेना और काबुल स्टार, तो मैं फिलहाल काबुल स्टार में रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपको काबुल सिरेना या काबुल 250 या काबुल सिरेना $250 का था और ये जो है $125 का है। तो उन्होंने कहा काबुल सिरेना या तो काबुल स्टार में रह सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं नहीं रह सकते। मैंने कहा ठीक है भाई चलो आपकी जो मर्जी। तो अमेरिकन एम्बेसी ने straightforward in the information, but they weren't as strict as the Indian embassy, like you have to stay here and if you don't then we're gonna come get you and kind of stuff. Then they got to go to or ugly flight lake by Tupac Niklo Afghanistan. Afghanistan is a war zone, you have to travel, you have to go to the army. तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात पहुँची, अमेरिकन इंटेलिजेंस तक, CIA तक बात पहुँची। उसके बाद सीक्रेट सर्विस वगैरह ने फ़ोन किया, काफ़ी लोग थे, सारे लोग काफ़ी फ्रेंडली से बात कर रहे थे और वो हमेशा बोल रहे थे कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा जो मैंने सुना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर लोग पाकिस्तानियों से आई डोंट नो, पाकिस्तानियों को यहाँ पर लोग लाइक नहीं करते। क्योंकि मुझे याद है कल मैं एरोप्लेन से कुछ बंदे से मिला था, एक बंदे से मिला जो कि टूर गाइड है। उसने कहा था कि जब भी तुम कभी किसी पुलिस के हाथ आ जाओ तो सबसे पहले एक वर्ड बोलना, जरूर मत बोलना कि तुम इंडिया से हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इंडिया से हिंदुस्तान 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 बोलते रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानियों को लोग उतना लाइक नहीं करते। अब पहले उन्होंने पूछा पाकिस्तान से, नहीं हिंदुस्तान, हाँ खुश हो जाते हैं हिंदुस्तान का नाम सुनते ही, हम खुश हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं। यहाँ पर तो इंडियंस की काफ़ी यहाँ पर इज्जत है, यहाँ पर काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ पाकिस्तान सपोजिट, मुझे जितना मुझे पता चला अभी, ठीक है, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। तो कोई पाकिस्तानी भाई अगर देख रहे हो तो नाराज मत हो जाना, क्योंकि मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने सुना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम लग जाओ, तो मुझे ये होटल ही रहना पड़ेगा, उसके अलावा तुम कहीं नहीं रह सकते, तुमको इसी होटल में प्रेफर हॉस्टल में रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो। उसके बाद दो मिलिट्री गार्ड पीछे दे रखा, दो आगे दे रखा, चार मिलिट्री गार्ड, वो जाओ पीछे एक मशीन गन लगा रखी है एक पिकअप वैन में, और भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, इट्स लाइक वन वे गाड़ी में चला रहे हैं, वन वे में गाड़ी चला रहे हैं इसको भीम, भीम, उसके बाद जो पुलिस गाड़ी थी तो उसका जो सायरन होता है ना, पूरा रास्ता चलाया रखा एकदम, रास्ते लोग साइड दे रहे हैं ऑटोमेटिकली एकदम, इतनी भरी ट्रैफिक में गाड़ी तेजी मार रहे हैं, वन वे चला रहे हैं, कोई रेड कोई लाइट कोई वाइट सिग्नल, कुछ सिग्नल का फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आपने, मैं क्लिप दिखाऊंगा आपको, उस क्लिप के दौरान वो गाना बजा रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ जी गम भुलाने को, ये गाना यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद एक भाई साहब आए, वो पिस्टल निकाल के ऐसे ऐसे मेरे सामने And he's loading bullets too. Yeah, bullets चोरी कर रहा है, मतलब वो कह रहा था कि अगर कोई तालिबान आया तो उसको मारेंगे मैं, और ऐसा ही हाल था। सारे लोग फ्रेंडली थे हिंदुस्तान का नाम सुन के, सारे लोग फ्रेंडली थे, हिंदुस्तान से भी लोग प्यार करते हैं, अमेरिका से भी लोग प्यार ही करते हैं हालांकि इसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी, देखो जहाँ पे ये बोल सकता है कि ये कनाडा से बोलता है, लेकिन जहाँ पे अगर ऑफिशियल पॉइंट आती है तो इसके पास US पासपोर्ट, इसको बोलना पड़ता है कि मैं यूएस से हूँ ओके ये कनाडा का नाम नहीं ले सकता कि इसके पास US पासपोर्ट है। हालांकि लोग अमेरिका को भी ठीक है ले लेते हैं, लेकिन इंडियन से बहुत प्यार करते हैं, कि जो मुझे खातिरदारी यहाँ मिलती है मुझे उससे यहाँ नहीं मिलती है। मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आराम से अगर कुछ भी हो, और भाई इंडिया से हो, अच्छा क्या आपके लिए मैं चाय पानी ला सकता हूँ, कुछ खा लो पी लो, मतलब ऐसे, अरे भाई पैसे मत दो आप इंडिया से हो, ऐसे ही बोलते हैं। और काफ़ी लोगों को हिंदी आती है मुझे पता है, तो मुझे काफ़ी कम्युनिकेट करने में आसानी होती है क्योंकि काफ़ी लोगों को हिंदी आती है। तो क्या बताऊँ, जो चीफ पुलिस था उससे भी काफ़ी थोड़ी हिंदी आती थी, जो चीफ कमांडर था वो भी आराम से बातें कर रहा था, हट्टा कट्टा US मिलिट्री में उसने काम कर रखा था, पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रखा था, लेकिन बहुत फ्रेंडली था। और
हमेशा मुझे ऑफर कर रहा था, शुभम शुभम मेरे प्या क्या बोल रहा था, छोटा भाई बोलता था मुझे, छोटा भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं आपके सिक्योरिटी के लिए हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी, इसी तरह अफगानी एक्सेंट में बोलता था। लेकिन वो गाड़ी भाई साहब ऐसे ऐसे करके लेके गए मुझे ये होटल ला के छोड़ा, और इस होटल में मुझे पे करने पड़े, ऑफकोर्स हम दोनों को ही पे करना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट तो पे करेगी नहीं। तो भाई फिर हम लोग इस होटल में आ गए, इसका नाम है काबुल स्टार, ये भाई काफ़ी सिक्योर है। जब हम लोग आ रहे थे तो मुझे आई थिंक 4 बार मेटल डिटेक्टर से पास होना पड़ा, उसके उन्होंने मेरा बैग चेक किया, सारा कुछ चेक किया, फिर अंदर आए और सब कुछ ऐसे, हाँ 2-3 बार उन्होंने चेक किया पूरा एकदम शरीर वगैरह की कुछ है नहीं, इसलिए इन्होंने कैप खुलवा के चेक किया कि इसके अंदर कुछ है या नहीं, चेक द शूज, एनी बॉम्ब्स इन द शूज, चेक शूज, बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ चेक किया, काफ़ी सिक्योर है। और इनफैक्ट इनमें इंडियन एम्बेसी ने यह कहा था कि अरे ये भी सिक्योर नहीं है, लेकिन हाँ सबसे कबल का सबसे सिक्योर होटल है, चले जाओ वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आके रह रहा हूँ। यही थी हमारी कहानी, और थोड़ी चेक इन करने में दिक्कत हुई, थोड़ी महंगा होटल है, लेकिन भाई अब $200 के लिए अपनी जान थोड़ी गवा सकते हैं, ठीक है, हमारी वर्थ वैल्यू भी 5 मिलियन है, तो फॉर $200 वी कांट लूज आवर लाइफ, $5 million और $200 या सो हम लोग यहाँ आके रह लिए रह रहे हैं। ठीक ठाक होटल है, आपको अगले वीडियो में यहाँ का ये वाला जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो होटल भी दिखाऊंगा। बेसिकली बस अगर मैं आपको साफ शब्दों में मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊँ तो अफगानिस्तान इज नॉट प्लेस फॉर टूरिज्म, नहीं आप नहीं आओ, अगर आप आ ही रहे हो, अगर आपने मन बना ही लिया है तो टूर गाइड के साथ आओ। तीसरी बात कि अफगानिस्तान में आप अकेले वगैरह कहीं ज़्यादा मत घूमो, पुलिस पकड़ के फिर जो हमारे साथ हो आपके साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब मामलों के ज़्यादा जो सारा जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो फंसे वो जनसेर भाई थे, क्योंकि जनसेर भाई के साथ क्या हुआ कि उनको लोगों ने स्पाई समझ रखा है। आई होप उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे काफ़ी लोग, हमसे लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, इनसे मुझसे फ्रेंडली थे, इनसे भी फ्रेंडली थे, लेकिन जनसेर भाई के साथ वो लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी उनको लग रहा था कि वो स्पाई हैं, हम दोनों को वो भेज देंगे, उनको ऐसा लग रहा था कि भेज देंगे या तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी वैल्यू है, बताओ कि मैं हम लोग 5 मिलियन के आसपास हमारा वैल्यू है, तो 5 मिलियन के लिए कोई भी कुछ कर सकता है ना पैसे, तो उनको लगा था कि भेज देंगे, बट मुझे पता था कि यार ट्रस्ट है, मैं कहा यार काउसर्फिंग ऐप से मैं मिला हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जनसेर भाई को भी बचा पाऊँ, मतलब बचाऊँ क्या, मतलब अब इस भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा कंट्री, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट है भाई, हम लोग यहाँ से कल परसों निकल जाएंगे, ठीक है, मेरा तो काम का तमाम, अफगानिस्तान काम ख़त्म, वीडियो बाद में आएगी, लेकिन जनसेर भाई प्रॉब्लम फंस जाएंगे कि ये लोकल हैं, तो आई होप उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अगर कोई अथॉरिटी से वीडियो देख रहा है इंडियन एम्बेसी वगैरह कहीं से, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि वो मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपके घर पर रह सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ आपके घर पर रह लो, मुझे कोई आइडिया नहीं था, या तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनका जो एरिया है वो ग्रीन जोन में नहीं आता, रेड जोन में आता है, काबुल में भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें काफ़ी सारे जोन बने हुए हैं, ग्रीन जोन रेड जोन, तो जो मैं एरिया में वो ग्रीन जोन है, क्योंकि सारे चारों तरफ आस पास हर तरफ एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है, ईरानियन एम्बेसी, जस्ट मेरे अपोजिट ईरानियन एम्बेसी है, I feel so safe right next to the Iranian embassy. I never thought those words would come out of my mouth. और काफ़ी सिक्योर प्लेस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी है यहाँ पर, बट यू नेवर नो, इट इज़ अफगानिस्तान, सिक्योरिटी जो लाइक सेफ्टी है वो काफ़ी रिलेटिव वर्ड है यहाँ पे, अभी कुछ नहीं हो रहा, एक सेकंड के बाद सब कुछ बदल सकता है अफगानिस्तान में। तो ये थी हमारी स्टोरी आज की, आशा करता हूँ कि अगले वीडियो से आप वापस से अफगानिस्तान को देखोगे, अफगानिस्तान के अलग अलग जगहों को देखोगे, काबुल को देखोगे खास करके, और उसके बाद हम लोग कल को भी टेस्ट करा के इस देश को छोड़ देंगे जितना जल्द हो सके। बस इस वीडियो में यही कहने के लिए था, यही थी मेरी स्मॉल सी स्टोरी, या बट अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अफगानी पीपल आर सो हॉस्पिटेबल इन ऑल दिस प्रोसेस, उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा हमारे कंफर्ट का, उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन थैंक यू अगेन ऑल कमांडर्स ऑन द जो भी थे जिनका नाम सब भूल गया, सब काफ़ी फ्रेंडली थे, हिंदुस्तान का नाम सुन के लोग तस्वीरें लेते थे हमारे साथ, इनफैक्ट मैंने भी कुछ तस्वीरें ली जो बॉडी गार्ड के साथ, मेरे इस तरफ दो तरफ दो दो बड़े बड़े गंताने में बॉडी गार्ड्स थे, या तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो ब्रेडन ऑल्सो मेड वन वीडियो अबाउट द सेम स्टोरी बट इन अ He went more detail about on the American side कि अमेरिकन एम्बेसी ने क्या बोला नहीं बोला, तो अगर आप इसके वीडियो को चेकआउट करना तो चेकआउट कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय, तस्वीदानिया, तस्वीदानिया नहीं कहते कहते खुदा हाफिज इन अफगानी लैंग्वेज, बाय बाय, we'll try to stay safe now, we'll try to stay safe, I hope we will be stay safe, okay, bye, bye. Bye.